हेलो फ्रेंड, मैं विकास, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, आजकल जो बहुत से आईपीओज हैं और जो राइट इशू आ रहा है, तो जो सेबी का इंस्ट्रक्शन है उसके रिगार्डिंग जो है ये एसबा के थ्रू अप्लाई किए जा सकते हैं। अब तो यहाँ पर एसबा प्रोसेस में लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है और कई जो है यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से बेनिफिशरी ऐड करके वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ कि जब भी अगर आप एसबा प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका जो इंटरनेट बैंक अकाउंट है उस पर पहले तो वो ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए उस आईपीओ या फिर राइट इशू के लिए। और अगर आपके पास उस बैंक में अवेलेबल नहीं है जिससे आपका डीमैट अकाउंट रजिस्टर्ड है, तो आप अपने किसी दूसरे बैंक में चेक कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट है और उस वो बैंक भी अगर सपोर्ट कर रहा है उस राइट इशू को या आईपीओ को, तो आप वहाँ से भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आप अपने डीमैट अकाउंट के फर्स्ट होल्डर होने चाहिए, साथ साथ उस बैंक अकाउंट के भी आप जो है फर्स्ट ओनर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से आप जो है बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड करके किसी भी राइट इशू या फिर आईपीओ, ज़्यादातर यहाँ प्रॉब्लम लोगों को राइट इशू में हो रही है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आप अपने लॉगिन करेंगे इंटरनेट बैंकिंग में, तो यहाँ पर मैं जो है मैं कोटक महिंद्रा बैंक के एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का विंडो आएगा। तो यहाँ कोटक महिंद्रा के अगर नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं, तो लेफ्ट साइड में एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आता है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको आईपीओ एसबा का दिखता है वहाँ पर। तो कुछ बैंक में आपको डायरेक्टली आईपीओ एसबा का ऑप्शन आएगा इन्वेस्टमेंट की जगह, और कुछ बैंकों में आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आएगा और फिर आईपीओ और एसबा का ऑप्शन आएगा। आपको क्लिक करना है आईपीओ एसबा के ऑप्शन पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मुझे जैसे कि कोटक महिंद्रा में कुछ इस तरह का विंडो आता है। यहाँ पर दिया हुआ है 7 एक्टिव इशूज़ हैं अभी, यानी कि कुल 7 जो हैं इशूज़ ओपन हैं, जिसमें ये आईपीओ और राइट इशू दोनों ही लेकर चल रहे हैं। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास ये लिस्ट आ गई है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं तिलक वेंचर्स का जो राइट इशू है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर लिंक दी हुई है, और नीचे जो संदूर मैगनीज का अभी राइट इशू चल रहा है उसके रिगार्डिंग भी एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर लिंक दी हुई है। तो कोटक महिंद्रा फिलहाल जो है दोनों को ही सपोर्ट कर रहा है। बट जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप जब अप्लाई करने के लिए आपको इन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो में आपसे पूछेगा सिलेक्ट बेनिफिशियरी। तो उस बेनिफिशियरी, अगर आपके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट जिससे लिंक है उससे आप कर रहे हैं, तो हो सकता है वो डीमैट अकाउंट एज ए बेनिफिशियरी ले ले आपको। बट अगर नहीं है तो आपको जो है बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए इसी विंडो में लेफ्ट कॉर्नर पे आपको ऊपर रजिस्टर बेनिफिशियरी का ऑप्शन दिख रहा है आपको। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से एक विंडो और ओपन होगी, और यहाँ पर आपको जो है अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, ये सारी डिटेल जो मैंने यहाँ पर छुपा के रखी हुई है वो ऑलरेडी आपकी रहेगी, क्योंकि एज अ प्राइवेसी यहाँ पर छुपा के रखा गया है। बट यहाँ पर जो है आपकी डिटेल ऑलरेडी रहेंगी। आपको सिर्फ सिलेक्ट क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपका डिपॉजिटरी NSDL है या CDSL है। अगर आपका सेम बैंक में है तो आप सेम बैंक, जैसे कि यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, कोटक महिंद्रा और अदर। क्योंकि अगर आपका अदर बैंक से है, यानी कि अदर DP है, कोटक महिंद्रा का ही आप जो है डीमैट अकाउंट नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अदर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज़ अगर आप एंजल ब्रोकिंग, शेयर खान या अपस्टॉक इस तरह से यूज़ कर रहे हैं DP, तो आपको अदर पे सेलेक्ट करके उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपका उसी बैंक में है तो आप अपने बैंक, जो भी जिस भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग है, उसी ऑप्शन को, जैसे कि यहाँ पर कोटक महिंद्रा है तो मैं कोटक सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट क्योंकि अदर में है तो अदर सेलेक्ट करेंगे, तो जब आप अदर पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी कि जैसे ऊपर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको आपका जो DP पार्टिसिपेंट है वो NSDL है या फिर CDSL है। तो नॉर्मली जो भी DP क्लाइंट ID IN से चालू होती है DP ID, वो NSDL की होती है, और जो पूरी तरह से न्यूमेरिकल होती है यानी कि नंबरों में होती है, वो CDSL की DP ID होती है। अब जब आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी DP ID और क्लाइंट ID यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद चेकबॉक्स है उसको सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट करना होगा, और इस तरह से आप जो है अपना
बेनिफिशरी एज ए बेनिफिशरी रजिस्टर हो सकते हैं। और उसके बाद जब आप वहाँ पर जाएंगे दोबारा, सपोज अगर आप तिलक के लिए, तिलक वेंचर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो तिलक वेंचर्स पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट विंडो में आपको बेनिफिशरी सिलेक्ट करना होगा। तो अब वहाँ पर ऑप्शन आएगा, ये जो बेनिफिशरी आपने रजिस्टर किया है उस बेनिफिशरी का नाम आएगा, वहाँ पर उसको सिलेक्ट करके आप कंपनी नाम सिलेक्ट करके बाकी के सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वहाँ पर रहेंगे कि कितने राइट एंटाइटलमेंट्स हैं आपके पास, कितने के लिए अप्लाई करना है, इस तरह के ऑप्शन आएंगे, आप उनको फिल करके यहाँ पर एसबा के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और एसबा से जब आप पेमेंट करते हैं तो अमाउंट डिडक्ट नहीं होता है, ब्लॉक होता है, यानी कि उतना अमाउंट आपका लीन हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा जब तक कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। इनकेस अगर आप आईपीओ में जब अलॉटमेंट करेंगे और आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो वो अमाउंट तुरंत उसी दिन वापस आ जाता है आपके अकाउंट में, बट अलॉटमेंट हो गया तो वो डिडक्ट हो जाता है फिर। तो यही है, इसीलिए ये जो है जो एप्लीकेशन थ्रू ब्लॉक अमाउंट होता है, तो यहाँ पर आपको जो है आपका जो अमाउंट है उतना वो ब्लॉक रहेगा। राइट इशू में भी ये अमाउंट ब्लॉक रहेगा, जब ये इशू क्लोज होगा या फिर जब आपको अलॉटमेंट हो जाएंगे तब आपको जो है यहाँ पर पैसा डिडक्ट होते देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, आपको बेनिफिशरी ऐड करना होगा, उसके बाद जो है अगर आप अदर बैंक से कर रहे हैं उसके बाद जो है आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था लोगों को और थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा था, इसीलिए यह वीडियो मैंने बनाया। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।